दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पिछले 24 घंटों से लगातार सुर्खियों में हैं। आप जानते ही हैं, मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड मारी। लगभग 14.5 घंटे तक छापेमारी चलती रही। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की तारीफ की गई है, इसीलिए इस तरह का एक्शन उन पर जबरदस्ती लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए, तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है, ये पहली रेड नहीं है। पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतेंद्र जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके हैं। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। अब अरविंद केजरीवाल को तो आपने सुन लिया। अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे अपने विज्ञापन को लेकर खुद की पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के उस विज्ञापन में जिन बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बताया गया है, वो दरअसल सरकारी स्कूलों के हैं ही नहीं। जी हाँ, सुनने में आपको जरूर अचंभा हो रहा होगा, लेकिन पड़ताल में तो यही सामने आ रहा है कि दरअसल वो तस्वीर किसी सरकारी स्कूल की नहीं बल्कि एक प्राइवेट स्कूल की है। पता ये चला है कि ये तस्वीर दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मेरी स्कूल के छात्र छात्राओं की है। हालांकि हम इस तस्वीर की या फिर इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन तमाम न्यूज आर्टिकल्स में यही दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बताया है, जबकि वो प्राइवेट स्कूल की तस्वीर है और ये स्कूल का नाम मदर मेरी स्कूल है। मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बीच अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से बयान सामने आया, उसको लेकर अब विपक्ष मुखर हो गया है और आगे आ रहा है। जैसे कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने निशाना साधा और लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में पैसे देकर खबर तो छपवा ली, पर झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। ये फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं बल्कि मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल के बच्चों की है। केजरीवाल और सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी। मनीष सिसोदिया पर रेड का अब आप ये कहते हुए विरोध कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं। खैर, अब सच क्या है, झूठ क्या है, तो केजरीवाल और बीजेपी ही जाने, लेकिन इस पूरे मामले ने दिल्ली की सियासत को बढ़ा दिया है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई है। एक तरफ सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ती है, दूसरी तरफ बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि ये बौखलाहट है बीजेपी की, ये बौखलाहट है प्रधानमंत्री की, क्योंकि मनीष सिसोदिया की तारीफ जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने करती है। खैर, अब इन सबके बीच देखा जाए तो कपिल मिश्रा ने सीधा सीधा कह दिया है कि झूठी तस्वीर है, सरकारी स्कूलों की तस्वीर नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों की तस्वीर को छापा गया है। खैर, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।